सच में हमारा बेटा है। अच्छा करी। हाँ जी हमारे जेठ कल नहीं माता जी बना उसकी बड़ी बड़ी ताई जी हूँ। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा लगा आपसे। नमस्ते आप, हम लोग लखनऊ से आए हैं। अच्छा। और आप मतलब देखिए गाली वाली देता है वो, आप कह रही हैं गाली देते हैं लेकिन सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है किसी भी चीज़ में नाम होना चाहिए बस। नहीं हमारा बेटे का नाम है, हमारा नाम है। हाँ वही चीज़ है, बस नाम होना चाहिए। अब इतनी दूर से हम आए हैं बर्थडे विश करने, तो इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी। मेरी तरफ से बोल दी उसे। जी जी आप बोल दीजिए खुद ही, मैं वीडियो दिखाऊंगा ना। अच्छा अरे आप बोल दीजिए हैप्पी बर्थडे। अजय अजय नागर है। हाँ अजय नागर सकता सर। ट्रेन तो हमारी भाई जा रही थी तो हमने बैठ लिया ट्रेन पे सर, इस टाइम हम क्या कर सकते हैं? अभी कुछ नहीं हो सकता सर, ऑटोमेटिक रिफंड आ जाएगा, आपको दूसरा कोई ऑप्शन देखना है। अरे सर दूसरा ऑप्शन क्या सर, ये ऐसा अगर हुआ करे तो आप लोग बुक मत किया करिए सर। अरे सर वो तो बात सही, मगर इस टाइम तो हम ट्रेन में आके बैठ गए हैं ना सर, इसका वो ऐसा मतलब सर अभी वो तो आपको टीटी से बात करना होगा, और उसमें अवेलेबल है तो सीट दे देंगे, नहीं तो फिर आपको जनरल वगैरह में देखना होगा जी। भाई मेरे तो एल लग गए, मेरे तो एल लग गए। तो दोस्तों बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सारे नक्षत्र ग्रह हम लोग के ही खराब हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा टिकट जो है कंफर्म नहीं हुआ है, और हम लोगों को बीच रास्ते में हम लोग ट्रेन पे बैठ के उतार तो दिया गया हम लोगों को। टीटी ने चेक किया, बोला कि जो है आपका टिकट कंफर्म नहीं है, आप या फिर जो है मैं पूरा टिकट वहाँ से बनाऊँगा, या फिर आप जो है प्लेटफार्म टिकट ले होते हैं। तो हमने कहा भैया हमको यहीं पर रोक दीजिए। आप देख सकते हैं सामने बहुत दूर दूर तक चार बाग स्टेशन नहीं दिखाई पड़ रहा है, और हम लोग पीछे हैं काफ़ी, तो वहाँ पहुँचते हैं देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों बड़ी मुश्किलों के साथ हम लोग आ गए हैं प्लेटफार्म पे, अब देखते हैं आगे के अनसीन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और ये हमारा प्याज जल है थोड़ा सा, यहाँ पे पानी नहीं है भाई। तो चलते हैं आगे देखते हैं क्या होता है, बाकी टिकट हम लोग कराते हैं कौन सा, देखते हैं टिकट नगद में कौन सा मिलता है अभी तत्काल में। तो अब दोबारा से जा रहे हैं और दोबारा से पूछेंगे कि हम लोगों का टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है, या फिर जो भी होता है देखिए अभी यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए तत्काल में हम लोग ढूंढ रहे हैं टिकट दिल्ली के लिए, शायद स्लीपर में कोई ना कोई ट्रेन हो आज से शाम तक या फिर रात तक, तो हम लोग इंतज़ार कर लेंगे यहीं पर वेट करेंगे। तो अभी फिलहाल पूछताछ करके फिर करते हैं। भैया लोग देखो मेरा पसीना आ गया है, लोगों के शर्ट के बटन खुल चुके हैं, काफ़ी परेशान हो गए, 2 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं रेलवे की पटरियों पर, तो ये सब काफ़ी मुसीबत होती है। पूछताछ करो, पूछताछ करो, मैं ट्रेन बाकी निकल जाएगी। अभी हम लोग आ गए हैं छोटी लाइन पर, हम लोग लेने वाले हैं टिकट लखनऊ मेल के जनरल टिकट से हम लोग जाएंगे, सर्वाइव करेंगे, फट निकल जाएंगे। ये है यहाँ पे देखो, ये आ गए हम लोग। तो सर जी लखनऊ मेल का चाहिए टिकट तत्काल। देखो इनके लिए
लिए मैंने बुक करा था एसी फर्स्ट का टिकट। हम लोग जा रहे थे, बहुत हौसला था उससे कि फोन चार्ज करेंगे, खूब अच्छे से जाते रहेंगे और मतलब खूब अच्छे से मजा आएगा पूरे सफर में। देखो इनको लेबर बना के छोड़ा गया है, इनकी औकात लेबर वाली हो गई है। और ये देखो हमारे एक मेहमान बैठे हुए हैं इधर, और मुझे भी देख लो मैं कहाँ बैठा हूँ। तो मुझे तो सीट मिल गई थी लेकिन मैंने दान दे दिया है, गरीब आदमी को दान दे दिया सीट। ये गरीब आदमी देख लो इसको बेचारा कहाँ पे, ये देखो कूड़ा कबाड़ा टूटा गया है, ये वो देखो गरीब आदमी को ये सीट दान दे दी। आया कि हम उनका फैशन बिगाड़ दिया। दोस्तों तो फाइनली हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं, हमारी ट्रेन बस दिल्ली जंक्शन पर रुकने वाली है कुछ ही क्षण में, तो आपको सामने का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए ये आ गई दिल्ली जी भाई, और ये हम लोग स्टॉल के सामने उतरे हैं, दारू वाली स्टॉल के सामने उतरे हैं। ये मेरे पहले कदम दिल्ली में पड़े और दिल्ली चमक उठी। ये हमारे मित्रगढ़ आ गए हैं बैग वैग लेके, ये कलमकार एम ए आर कहाँ रह गए, आ जाए पजामा बॉयज यो यो। स्टेशन तो घर दिख रहा, भारी कंफ्यूजन, पहली बार हम भी आए हैं, दूसरी बार ये भी आए हैं, इसलिए हम इनकी बात पे जाएंगे। हम यहाँ पर अपनी बात तिवारा आए हैं। तुम तिवारा आए हो तो किधर जाना होगा? एक बार रेलवे का पेपर देने आए हैं, एक बार पोस्ट ऑफिस का पेपर देने आए हैं। जब पोस्ट ऑफिस का पेपर देने आए थे पूरा दिल्ली घूमे थे, आपकी बार आए हैं दूसरे काम। दिल्ली की टैक्सियां हैं इको, जो हमारे यहाँ शादी विवाह में यूज की जाती हैं। एक लाइन से ऑटो खड़े हुए हैं, धूप भी बहुत तगड़ी हो रही है आज तो, और दिल्ली में गर्मी और सर्दी दोनों बड़ी कड़ाके की होती हैं। और ये दिल्ली की फेमस लैंग्वेज बेंचो, हाट बेंचो, ए बेंचो, बेंचो बेंचो। ये देखिए भारतीय डाक, हाँ को हो सकते हो। तो अभी हम लोग रेलवे स्टेशन से निकल के मेट्रो स्टेशन पे जा रहे हैं, दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे न्यू दिल्ली, क्योंकि ये उसी तरह है जैसे पुराना लखनऊ नया लखनऊ। कोटला जाना भाई, हाँ
कोटला जाना है। कोटला भैया हमारे मित्र हैं अमन, उनके पास चलेंगे, वो उनके पास वो खुद ही बोले उससे नहाएंगे नहाएंगे धोएंगे सब कुछ आराम से। कॉल करिए कॉल, फोन हो चुका है, कोई बात वहीं से हो रही है। हो गई बात तुम्हारी, कोटला जाना है वो सारणी लगी हुई है। यहाँ से देखो, यहाँ से निकलेगी राजीव विहार। आवाज तो ऊंचा रहा था, पहुंच रही भैया आवाज इतना तेज बोल रहे हैं। राजीव विहार से हमारी लोगों की ट्रेन जाएगी। हमारा भाई आएगा ये आजादपुर, आदर्श नगर जाएगा भाई हमारा। हम लोग जाएंगे राजीव चौक, हम लोग आजादपुर। तो भाई कैसा रहा सफर हम लोगों के साथ में? एकदम रात से अच्छा, बहुत अच्छा रहा सफर हमारा, बहुत मस्ती की, बहुत बदतमीजी की। देख पा रहे हैं और यहाँ से पहुँचते हैं राजीव चौक। प्लेटफार्म नंबर 3 पे जाएंगे, प्लेटफार्म नंबर 3 से हम लोग जाएंगे। कहाँ पे जाना है हम लोग को? प्लेटफार्म नंबर 3 से हम लोग कहाँ जाएंगे? मयूर विहार S1। दिल्ली में बहुत ही अच्छी सुविधा है मेट्रो की। हेलो, तो अभी तक हम लोग इसी रुपये में घूम रहे हैं, बाकी आगे देखते हैं। मंजिल पहुंचना था, अजय थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखिए हम लोग अभी बैठ चुके हैं रिक्शा पर। भैया इधर देखिए, इधर 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 आज हम लोग रिसेंटली रिक्शा पर बैठ चुके हैं, कोटला के लिए निकले हैं। कोटला से जाएंगे पनवाड़ी दुकान, पनवाड़ी दुकान पर ये ऑटो वाले भैया से बात हो चुकी है, अमन की है ना बात? मेरी बात हो गई है। अच्छा दुकान पर छोड़ना है। अच्छा उनका नंबर नहीं था, इसलिए मैं उनको बैठने जा रहे हैं। जो ऑटो वाले उसका नंबर नहीं, नंबर से गाड़ी जाती है। अच्छा, वो हमसे बोला दादागिरी हो रही है। दादागिरी नहीं, वो नंबर क्या है, नंबर जो भरे अपना। अच्छा कोई दिक्कत नहीं।
कुंटी यही बोले थे, ठीक है। ये नहीं पीछे आगे कहाँ उतारना है, पॉकेट टू का गिर लाइट। मेरा बैग भी गिर गया है भाई साहब ने जो है हम लोग को यहाँ से सुरक्षित उतार दिया है। हाँ तो ये पान वाली गुंडी है जहाँ बोले थे भैया छोड़ने के लिए, तो वहीं पे इन्होंने छोड़ा। बाकी हम लोग वो देखो आ गया हीरो। तो जैसा कि अमित ने बताया था, अमित के फ्रेंड का भाई आ गया है, तो हम लोग इसके घर जा रहे हैं, वहीं पे थोड़ा आराम आराम करेंगे और फ्रेश होंगे, फिर निकलेंगे कैरी भाई से मिलने के लिए। रात में हम लोगों ने दो दो चार चार पूड़ी खाई थी, तो हम तो घर से खा के भी आए थे एक दो पूड़ियाँ, तो नदीम भाई और विवेक भाई तो कुछ खाए भी नहीं थे घर से। कल रात में खाने के बाद में आप बताओ 1:58 हो रहा है तब उन लोगों को खाने को मिला है, कैसा लग रहा नदीम भाई? ऐसा लग रहा भूख ही नहीं है। अच्छा हाँ ऐसा लग रहा है भूख नहीं है थोड़ा। ऐसा इतना ज़्यादा भूखे रह रह करके हम लोग आते जैसे पड़ गए। नदीम भाई क्या खाना खाइए। थैंक यू। तो दोस्तों खाना पीना हो गया है, अभी हम लोग निकल रहे हैं। कौन सा गांव है? बड़कल मोर मेट्रो स्टेशन पे जाएंगे, वहीं से जो है गहरी यूनाइटी का घर भाई पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, मेरा तुम्हारा जैसा देखते हैं मुलाकात होती कि नहीं होती, क्योंकि कल शाम से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं सफ़र करते 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 करते। तो आज शायद अमन भाई से मुलाकात हो गई है, वहीं पे हम लोगों ने नहा धो के फ्रेश हो गए हैं, अब वापस जा रहे हैं मयूर स्टेशन फेस वन, वहीं से हम लोग पकड़ेंगे बड़कल मोर के लिए ट्रेन और फिर जाएंगे कैरी भाई के घर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सामने शरबत या रूह जो कुछ बट रहा है, तो हमारे अमित भाई गए हैं लेने, तो चलते हैं हम लोग भी चलते हैं वहीं पे पियेंगे, और अगर मिलेगा तो बोतल या गिलास में भर के लाएंगे। शुल्क नहीं? शुल्क है? अच्छा शुल्क नहीं, शुल्क चलो बहुत बढ़िया है। कोई भी नहीं है भाई, ब्लॉग बना रहे हो क्या? ये हमारे बड़े भाई जो बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं इतनी गर्मी में लोगों को। तो यहाँ पे देखो मानव सेवा की जा रही है, और रुआब्जा बांटा जा रहा है सबको। तो ये है हमारे नदीम भाई, नदीम भाई भी ये भोले का प्रसाद लेते हुए। भैया जरा बताइए जरा आप कल आप भाई हम कोटला गाँव से गुजर रहे हैं जी, एकादशी थी ना भाई कल? अच्छा उसके लिए पानी। अच्छा नाम चिंटू गुजर, मिंटू गुजर, परवीन गुजर। ये है गुजर ब्रदर्स, और इन लोगों के द्वारा मानव सेवा में शरबत लाया जा रहा है एकादशी के उपलक्ष्य में। तो शरबत और रस पी के फिर अपने मेट्रो की तरफ निकल लिया गया है, छोटी वाली मेट्रो बैठ के अभी हम लोग जाएंगे अक्बड़ मोड़, इसका नाम नहीं आता यहाँ क्या नाम है, बड़कल मोड़ से जाएंगे फिर हम लोग मेरी बेटी को खोजते हैं उसके घर पर, अब देखते हैं वो यहाँ मिलते हैं कि नहीं भाई, करी बेटी भाई हाँ मिलते हैं नहीं मिलते, क्योंकि भाई अपना बहुत बड़ा सेलिब्रेटर हो गया, ये बहुत अच्छी बात है, भाई ने मेहनत की है वहाँ तक पहुँचने के लिए, देखते हैं। यूपी में कहाँ से हैं? देखो यूपी वाले भाई मिल गए अपने भाई, यूपी में भाई आजमगढ़। ओहो आजमगढ़ से हैं भाई। बाय वन गेट वन पर सेल चल रही है, बम्पर ऑफर बाय वन गेट वन फ्री। और देखो यहाँ पे हो रहा है पेमेंट, दे रहे हैं ये 11 रुपए का पुरस्कार हमारे दादाजी को, इनका बना रहे परिवार, इनकी हो जाए बेड़ा पार। बोले साचे दरबार, बात तो सुनो, बात भी नहीं सुनो पहले, पता नहीं हम कुछ पूछे तो आपको पता चले, पहले आप बता दे दादा, पहले पूछने से पहले बता देना, हमको नहीं मालूम। हम ये कह रहे हैं यहाँ पे जो शराब मिलती है वो एक साथ फ्री मिलती है, कहाँ है? चले
हमारे नदीम भाई और विवेक भाई काफी देर से इधर उधर मास्क ढूंढ रहे थे, अब जाकर के इन लोगों को मास्क मिला है। मास्क लगा करके क्योंकि अभी पुलिस वाला चालान करने वाला था, लेकिन बच गए थे हम। दोस्तों ये मास्क जो है 5 रुपए का मिल गया, भाई ने बहुत अच्छे रेट पे दिया है और तो काफी अच्छी क्वालिटी का भी है। आप लोगों को चाहिए तो यहाँ पे ले सकते हैं। गणेश मिश्रा पेप्सी, गणेश मिश्रा पेप्सी ये मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन के बाहर ही है। ये देखिए हमारे दोनों लखनऊ के नवाब जाते मिस्टर जुगाड़ू बाबा के प्रोड्यूसर एंड एक्टर। तो ये हम लोगों ने टिकट ले लिया है, ये छोटा सा कॉइन मिलता है। वहाँ का नहीं बनाया तुम आकर के, जैसे बना था जैसे एंट्री करते हैं ना वो दिखाना था, इसको टच करते हैं वैसे खट से एंटर। अभी दिल्ली की एक खास बात उनको बताएं हम, दिल्ली की खास बात यह है कि यहाँ की जो लड़कियाँ हैं तपती धूप में भी स्वेटर पहन के निकलती हैं। सही है, कसम से है ना दीदी भाई, हमने देखे, अरे हम देखे दो तीन लोग स्वेटर पहने तो हम ही। भैया लोग काफ़ी परेशान हैं, देखो एक मैडम हेल्प कर रही है हम लोगों की और ये मैडम बताएंगी हम लोगों को कैसे जाना है कहाँ जाना है। हालांकि गूगल हम लोग भी कर सकते हैं लेकिन इतना ज़्यादा अभी दिल्ली में परफेक्ट तो नहीं है हम लोग, तो पहली बार लगभग हमारा आना हुआ है। हम लोग कभी कभार ही आना होता है, तो देखो ये मैडम बता रही है। समझ आ गया, ओल्ड फरीदाबाद करोगे, ओल्ड फरीदाबाद से आपको बहुत लंबा पड़ रहा है वैसे करीब मेट्रो से, मेट्रो से आपको बहुत दूर पड़ रहा है। यहाँ से आप कैब ले लो, कैब की लोकेशन यहाँ से पड़ रही है, आप ले चुके हो पर 35 मिनट का रास्ता है अगर आप गाड़ी से जाओगे तो, और मेट्रो से 1.5 घंटे का रास्ता है। ऑटो के वापस होगा मैम, वापस आप एक बार बात कर लो अगर वापस होगा तो। तो दोस्तों अभी वो जो सिस्टर थी उन्होंने जो है हमारी हेल्प की और उसने बताया, देखिए गूगल आप कर सकते हैं बड़कल मोर मेट्रो स्टेशन फ्रॉम मयूर विहार, मयूर विहार हाँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं मयूर विहार से हम लोग जा रहे हैं बड़कल मोर के लिए। तो ये जो पिंक लाइन बनी हुई है आप यही नीचे देख सकते हैं, ये हमारे अमित भाई दिखा रहे हैं पिंक लाइन, इस पिंक लाइन से ओवर इस पिंक लाइन से हम जाते हुए जाएंगे लाजपत नगर, लाजपत नगर पहुंचना है, वहां से हमको फिर लेना है ये दूसरी ट्रेन पकड़ना है ब्लू लाइन। बहुत घूमे हैं ये पूरा दिल्ली का एक कोना हम लोग घूम के, एक घर, एक कोना, एक आदमी से मिलकर, अबे यही तो वर्धा वाला है सामने देखो, एक एक बिल्डिंग, एक एक कबीला। उधर कहाँ जा रहे हो, इधर आओ आगे देखो। हेलो दोस्तों, तो अब हम लोग बड़कल मोड़ स्टेशन पे आ गए हैं, वहाँ से एग्जिट ले रहे हैं जो कैरी मिनाटी के घर से थोड़ा पहले पड़ता है, जो मैंने एक वीडियो में देखा था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आए हुए हैं। ये देखो तो दोस्तों अभी बड़कल रेलवे स्टेशन आ गए हैं, तो मेट्रो स्टेशन आ गए हैं, और यहाँ हमारे नवीन भाई की तबीयत थोड़ा गर्म हो गई, जिन्होंने खाना खाया तो सारा खाना निकल गया, तो भाई मुकाबला भी कम हो गई, तो
और विड्रा के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे हालत बहुत ख़राब है, टेम्परेचर बढ़ गई है, टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा है, तो साथ थोड़ा इनका जो है गड़बड़ा गया। बाकी चलते हैं, अभी कैरी नाटी भाई के घर को नहीं मिला है, घर पहुँच रहे हैं। देखो ये रिक्शा वाले भाई साहब लेके जा रहे हैं। जो पीछे भाई हैं, इन दोनों भाइयों ने हमारी हेल्प करी है। और ये देखो लक्ष्य भैया मिले हैं, ये कैरी भाई के वीडियो को एडिटिंग करते थे पहले, और अभी भी शायद बात बात बता रहे हैं होती है, लेकिन डर सा दिखाया यार तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशानियों के बाद में भैया लोग करे हैं भी नाश्ता थोड़ा बहुत, और इसके बाद आगे की जर्नी फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मिल गए हमको एक लोग विकास दुबे मूवी के फैन, जो हम लोगों को जानते हैं, बता रहे थे कि हम लोग ने हमने देखी है आपकी मूवी, तो आप समझिए दिल्ली में लोग देखें जैसे हम लोगों की मूवी, तो काफ़ी अच्छा लगता है जिसे लोग जानते हैं। तो अभी मुलाकात करते हैं, तो यहाँ से दोबारा से जर्नी स्टार्ट होती है थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद में। तो नदीम भाई, अब तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है, फिर जाओ आराम से। अच्छा, पहले से आराम है? ये 18 ये 70 है। तो इधर कैरी नाड़ी रहता जाते हो आप लोग? कैरी नाड़ी का ही है हमारे नदीम भाई, और ये है हमारे विवेक भाई, और खड़े हैं यहाँ पर सेक्टर 17 के गेट पर। आगे से यहाँ से रास्ता है, सीधा जाएंगे पैदल, और यहाँ से मार्केट होते हुए हम लोग निकलेंगे। इधर से हम लोग आए हैं, थोड़ी दूर से पड़ता है। अरे भैया, यहाँ कैरी मिनाटी के घर जानते हो क्या आप? कैरी मिनाटी जो लड़का वीडियो बनाता है यूट्यूब पर, नंबर प्लाट नंबर बताओ। एक नंबर गेट, गेट नंबर एक, गेट नंबर तो यही एक है, एक है ना। आओ देखते हैं, हम लोगों को कौन सा रास्ता जाना है? ये जाना है, ये जाना है। तो ये भाई कौन सा चलना है? ये इधर देखिए ये मिले हैं भैया, आप बता दीजिए, आप जानते हैं अजय नगर को? आप जानते हैं? हाँ। कौन है आप? हमारे मालिक है। अच्छा अच्छा, देखिए ये भाई मिले हैं, वही गाड़ी क्या? ये तो यार नहीं है भाई, यही है वो राग है। आपकी आवाज इतनी प्यारी है, आप कह रही है कि आवाज अच्छी नहीं लगती है, सच में? हमारा बेटा है। अच्छा, कैरी? हाँ जी, जेब कर नहीं, माता जी बना उसकी बड़ी बड़ी ताई जी हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे। नमस्ते, आप हम लोग लखनऊ से आए हैं। अच्छा। और आप मतलब देखिए गाली वाली देता है, आप कह रहे हैं गाली देते हैं, लेकिन सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है, किसी भी चीज़ में नाम होना चाहिए बस। नहीं, हमारा बेटे का नाम है, हमारा नाम। हाँ वही चीज़ है, बस नाम होना चाहिए। अब इतनी दूर से हम आए हैं बर्थडे विश करने, तो इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी? मेरी तरफ से बोल दीजिए। जी जी, आप बोल दीजिए खुद ही, मैं वीडियो दिखाऊंगा ना। अच्छा, अरे आप बोल दीजिए हैप्पी बर्थडे। अजय, अजय नागर है? हाँ, अजय नागर। हाँ ठीक है, दिखाऊंगा जाके। वो पानी दिला देती आप लोग? हाँ, पानी ले, बोतल दे उसमें से ला। अच्छा, आ जा भैया उधर बैठ जा। हमें
बात हुई थी ना, आपने बताया नहीं था। बताओ हम लोग, अब बताओ यार ऐसा। तो करीम नाटी के हम लोग ताऊ जी के घर पे आए हैं और इनका नाम है नीतीश नागर। तो इन लोगों से काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी अच्छी फैमिली है और काफ़ी प्यार करते हैं इन लोग। जिनको पता चला कि हम लोग लखनऊ से आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने प्यार दिया हम लोगों को। भैया नमस्ते। हम लोग लखनऊ से आए हैं और कैरी का बर्थडे विश करने के लिए। तो पता चला था कि सेक्टर 17 में रहते हैं तो हम यहाँ पे। 17 में नहीं रहते, 16 में रहते। जी जी, पहले इधर रहते थे क्या? फैमिली हमारी जो है वैसे ज्वाइंट। हम लोगों को मालूम नहीं था पहले, हम लोग 19 निकल गए थे, फिर वहाँ से फिर पता चला 17 में। आपको कैसे पता चला कि यहाँ 17 में? ढूंढते ढूंढते मेहनत की बात, वीडियो देखते हुए। वीडियो को देखते हुए, वीडियो में तो यहाँ से कोई लेने देने नहीं नहीं है, लेकिन पता चला है वहाँ पे कुछ रिक्शे वाले ऑटो वाले तो दोस्तों बड़ा मशक्कत के बाद जो है उनके घर परिवार वालों से बात हुई, मतलब उनके ताई जी मिली थे, उनके घर परिवार में हम लोग गए वहीं पर। तो हम लोग को खाने पीने को भी दिया गया, मतलब नाश्ता कराया गया। तो फिर हमको बताया गया सही एड्रेस क्या है, वहाँ पर जा रहे हैं। अभी भी पता चला कि कैरी भाई निकल रहे हैं मुंबई के लिए। तो हम लोग थोड़ा ये ऑटो वाले भाई साहब से बोलने की थोड़ा इसलिए भी ले चलो भाई, अपनी ले चल, ये लोग मतलब ये ले चल रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है, उनसे मुलाकात हो पाती है या नहीं। और आप तो देख ही रहे, इतने दिनों से भटक रहे हैं, जैसे इंसाफ के लिए भटक रहे, तो ऐसे लग रहा है किसी खेती बड़े के लिए कुछ कुछ परेशान। कोई बताता है सेक्टर 19 में बैठाता है, सेक्टर 19 पूरा घूम डाले, फिर उसके बाद मुझे बताया कि 17 जाओ, 17 पूरा खोजें। लेकिन असली वाला हम लोगों अभी नहीं बताएंगे तुम लोगों को। इतना आसान नहीं है कैरी भाई को ढूंढना, बहुत मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एड्रेस होने के बावजूद अब तो थोड़ा बहुत पता भी है कि मेट्रो के पीछे है, लेकिन फिर भी जो है हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ कई सारे बंदों से पूछा गया, किसी को कुछ नहीं मालूम है। यहाँ तक कि ऑटो ड्राइवर भाई साहब को भी नहीं मालूम। हमारे विवेक भाई और अमित भाई ढूंढने में लगे हुए हैं, देखते हैं क्या परिणाम मिलता है। जो झंडा फंदाबाद जो इधर उधर तुम्हारे जैसा आ रहा जा रहा, तो सुन रहा है चलो। अरे भाई साहब बात ये है कि अभी उनके घर गए थे, वो जो ताई का घर है नी, हाँ, तो वहाँ पे गए थे तो एक भैया मिले थे, वो जो जिन्होंने दीपक से बात की है, तो हमको भेजे हैं। यहाँ पर एड्रेस है 16 सेक्टर, ये मेट्रो हॉस्पिटल के पीछे बैक साइड में। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, मगर यार यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ एड्रेस क्लियर बता दीजिए, मतलब घर का नंबर या फिर जो भी नंबर हो कुछ भी। तो आपका नाम नहीं आया? असल में उनका नंबर हमने नहीं लिया ना, चले आए जल्द। अरे वहाँ गए थे तो क्या ताऊ के शायद कोई लड़के थे, उन्हीं ने बात किया था दीपक से। भाई साहब बात ये है ना कि हमको फिर उल्टा वहीं जो जाना पड़ेगा। मैं इस समय आ गए सेक्टर 17 हॉस्पिटल पीछे आ गए हैं, और वहाँ उनको जाना भी है, मुंबई भी निकलना, तो मिल लेंगे तो यार सही रहेगा, नहीं तो उसके बाद में तो हम आना जाना तो गड़बड़ हो जाएगा। तो लखनऊ से आ रहे हैं, थोड़ा सा मदद कर दो भाई। ये गर्मी हो रही है, प्लस हम लोग तो परेशान आई है, दादा भी गर्म हो रहे हैं, क्योंकि टाइम हो गया है काफ़ी टाइम से हम लोग इनको इधर से उधर दौड़ा रहे हैं। यार ये नंबर है, मैटर कैरी मिनाटी भी जानते हो? हाँ जानते हो, उनके घर जाना है। हाँ काम करने, अरे कुछ लोग है तो बता काम तो होगा कुछ। अरे उनसे मिलना है भैया मेरे, उनसे मिलना है। हम लोग लखनऊ से आए हैं मिलने के लिए, वीडियो बन रहे, लखनऊ से आए हैं हम लोग, उनके पुराने वाले घर गए
वहाँ से यहाँ का इधर मिला। हाँ तो बताओ यार भाई, यार बड़ा परेशान है, हम लखनऊ से आए हैं, बड़ी देर से भटक रहे हैं, भैया भी भटक रहे हैं। ऐसे थोड़े मिलने देंगे, गार्ड है यार। अरे मैं मालिक गार्ड हूं, हमको घर तक पहुंचे दो, हमको दोबारा पहुंचा दो, की बात हो गई। मेट्रो स्टेशन के मेट्रो हॉस्पिटल के पीछे बताए हैं, तो कहाँ पे है वो हमको बता दो, मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। जो होगा प्रक्रिया वो बात हो गई है उनसे भी, दीपक भाई से तो अपने बात कर लेंगे। वो अभी निकलने वाला मुंबई, मैं निकलने वाला। हाँ आगे नहर खोले जाएगा, उसके सामने से गेट है, वहाँ से पूछ रहे हैं। एक नंबर गेट है ना, हाँ इधर आगे एक नंबर है, और आप जाओगे और पता कर लियो। चलिए वो पता कर लेंगे, एक नंबर गेट से जाओगे तो। अच्छा चलिए चलिए, शुक्रिया भाई साहब। ये सब बड़ी दूर से है, लखनऊ से है, मैं समझ सकता हूँ। ये मेरा टिकट ठीक है, मैं को आप ट्रस्ट कर रहा हूँ ना, टिकट दिखाने के लिए आई कैन ट्रस्ट। नहीं नहीं मेरी वीडियो मत बनाओ प्लीज। तो सर कब कब तक आएंगे वापस सर? तो सर कोई कांटेक्ट नंबर मिल सकता है किसी का भी, जैसे पता चल जाए कि कब आ रहा है वो? मेल है उसका, उसके आता उसमें आपको सर वो मेल रिप्लाई नहीं आता ना, मैंने किया कई बार, बता दूंगा बोल देना। लखनऊ से पैर की सुगनिया कट गई पूरी, पैर की सब कट रहे हैं, गलहरी कट गई। इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद भी आज हम लोग मिलने आए, लेकिन कैरी निकल चुके हैं मुंबई के लिए, और काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि इतनी सारी मेहनत के बाद जब मेहनत का फल या नतीजा नहीं निकलता है तो फिर बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, निराश। लेकिन आप देख लीजिए इंडिया का बेस्ट यूट्यूबर जो है अगर यही है, आप लोग देख सकते हैं हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन बस थोड़ी से रीजंस की वजह से उनको मुंबई जाना था किसी काम की वजह से, तो वो नहीं आ पाए, लेकिन हम लोग अपना पूरा 100% एफर्ट दिए हैं, और हम लोगों ने इसमें कोई भी कंजूसी नहीं करी, पूरी मेहनत करी, पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग यहाँ पे आने की कोशिश की। और ये ऊपर कैरी भाई का स्टूडियो है, ऊपर ये घर है, स्टूडियो जिसको बना रखे हैं, ऊपर हम लोग पहुँच गए हैं, नहीं मिला। चलो भाई ओके। तो दोस्तों बड़ी मशक्क़तों के बाद कैरी भाई का घर मिला, लेकिन घर जाके उनके पिताजी मिले हैं, उन्होंने बताया कि वो तीन बजे वो जा चुके हैं। हम लोगों ने उनके लिए केक भी बनवाया था, सोचा था वो काटेंगे और उनसे मुलाकात होगी, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, इसीलिए हम लोग निराश होकर घर जा रहे हैं। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। आज हम लोग रात को यहीं रुकेंगे, आज हनुमान जयंती नहीं है, आज हम लोग यहीं रात को रुकेंगे, सुबह फिर ट्राई करेंगे, देखेंगे शायद वो रात में आ जाएं घर, तो उनसे मुलाकात हो जाए। अब वो लोग होटल बुक करते हैं, वहीं आज रात भर वहीं रुकेंगे, और कल सुबह दिल्ली की सैर करेंगे और आप लोगों को भी शेयर कराएंगे। ओके, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्यार हम लोगों में जोश भरता है क्या भैया?